हर हर महादेव सभी डियर लर्नर्स को, ठीक है। आज हमारे हाथ में है 2022 का यूपी बोर्ड का पेपर, ठीक। आपको दिख रहा होगा 2022 दिख रहा है ना, ठीक। तो आज बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम क्या होती है पेपर सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व पेपर, हाउ टू सॉल्व पेपर, ठीक। कुछ लोग सोचते हैं चलो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे हम समझा दे रहे हैं। बाबू देखो ध्यान से सुनोगे कि पेपर आ जाएगा हाथ में तो डरने लगेंगे, क्यों? क्योंकि डिफिनेशन मतलब क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए, क्वेश्चन आंसर लिखने का ढंग नहीं आ रहा है, वकैब स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। होमोफोन्स, ठीक है। उसके बाद नरेशन बनाने नहीं आ रहा है, एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है, सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। बहुत सारे दिक्कतें हैं बच्चों को, सिंथेसिस नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। सिंटेक्स यानी कि करेक्ट करने वाला नहीं आता है, एरर नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन उसके बाद आ जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं आता है, लिटरेचर वाले पोर्शन में क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाएंगे, या हो सकता है पोएट्री का जो क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है वो ना ढूंढ पाए, सेंट्रल आइडिया ना लिख पाए, ठीक, या फिगर ऑफ स्पीच न ढूंढ पाए, ठीक है। लास्ट में लॉन्ग आंसर न लिख पाए, शॉर्ट आंसर न लिख पाए सप्लीमेंट्री का। तो ये सारी दिक्कतें बच्चों को होती हैं कि किसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब हम ध्यान से देखिएगा, इस पेपर के हिसाब से आपको डिवाइड करके बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स, आप वैसे जानते भी होंगे, सबसे पहला सेक्शन हमारा होगा किसका, रीडिंग का। सेक्शन ए आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या चीज़, रीडिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, गौर से थोड़ा सा नज़दीक हम ला दे रहे हैं कैमरा के, कि सेक्शन ए लिखा है रीडिंग, ठीक। और अगर देखेंगे ध्यान से तो जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स, ठीक है। तो बाबू केवल एक ही, और इसको साधारण भाषा में हम कहें तो अनसीन पैसेज, जो 10 में भी कर चुके हो आप लोग, ठीक है, और जो लोग कोरोना काल में मुफ्त में पास हो गए, ठीक, तो उनको भी अनसीन पैसेज करने आता है, यानी कि पैराग्राफ दिया होगा उसी में से छांट करके उत्तर लिखना है, ठीक। तो जो महाबौक हो वो न लिख पाए तो बात अलग है, लेकिन जो बौको होगा वो देख करके और छांट करके उसका उत्तर लिख लेगा, ठीक है। तो जहां पे इतना बड़ा पैसेज आए जो दिख रहा हो आपको, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, ठीक। और ये कितना बड़ा है, यहां तक इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, ठीक। तो ये पैराग्राफ दिया है, 15 मार्क्स के हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और हम आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन को आंसर में कैसे बदलते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल करना है, लिखने के लिए तो लिख दिए थे कि क्वेश्चन को आंसर में कैसे बदलोगे, ठीक है, अब उसको हम बदल करके बता रहे हैं। तो जितने भी बच्चे भूल गए हैं थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, और बाबू इसमें टिड्डा है बड़ा परेशान कर रहा है, अगर आदमी होता तो जा करके डांट के आ जाते, लेकिन बगल में पता नहीं कहाँ से आ गए सब, कुछ झिंगुर है का है, जाए दो बाबू, देखो बोल रहा है वो। अब हम यही नहीं सर, इसी के चक्कर में आज मतलब वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेट हो जा रहा है, हम सोचे अब शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, और धीरे धीरे कितना बज गया, 10-11 बज गया होगा, ठीक। अब वो अभी देखो फिर शांत हो गया, शांत है ना, देख लो अभी बोलने लगेंगे, फिर बोलने लगेगा, समझ में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया अनसीन पैसेज, पैसेज आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन को आंसर में कैसे बदलते हैं, एक बार फिर से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं, और इसका हम
जो पुराना वीडियो है इसके पहले वाला, जिसमें हमने पूरा बताया है आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन को आंसर में कैसे बदलते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, कि हाउ टू राइट आंसर्स या हाउ टू चेंज क्वेश्चंस इनटू आंसर, या आंसर को क्वेश्चन को आंसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, अब हमको थोड़ा सा जोर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब करने लग रहा है हमको, ठीक है। तो पहले हमारा लिखा रहता है व्हाट, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। हु, हूम, हुज, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर ये वाट आ जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, या तो वह हमसे वर्ब पूछता है, या तो ऑब्जेक्ट पूछता है, या तो सब्जेक्ट पूछता है। तो आंसर में हम हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट पूछेगा तो बाबू शुरू में लिख देना, वर्ब पूछेगा तो सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पूछेगा तो वर्ब के बाद होता है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहू को पता है, ठीक, और टिड्डे को नहीं पता है, इसीलिए वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो बाबू थोड़ा सा पैसेंस रख करके वीडियो देख लेना, और जो देख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसे एप्लीकेशन सब कुछ, अगर इसी वीडियो में पॉसिबल हो जाएगा तो हम पूरा लिख करके आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको, ठीक। अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दूसरे वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेयर का मतलब वो क्या पूछता है? प्लेस। वेयर का मतलब क्या पूछेगा? वो प्लेस पूछेगा, प्लेस माने स्थान, ठीक है, जगह, ठीक है। तो अगर वो जगह पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, तो व्हेन माने कब, ये टाइम पूछता है, ठीक है, टाइम माने समय, ये तो बहू को पता है, टाइम माने समय। हाउ माने क्या होता है? मैनर पूछता है, मैनर का मतलब तरीका या ढंग, ठीक। तो ये तीन चीजें हैं, मैनर, प्लेस, टाइम को हम क्या बोलते हैं? अदर, मैनर, प्लेस, टाइम को हम क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स, ये क्या होता है? अदर वर्ड्स। तो अब अगर ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स आता है, जिसको जिसको ट्रांसलेशन पता है, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में मैनर भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है और टाइम भी आ जाता है। इसमें क्रम भी यही होता है, क्रम क्या होता है? MPT, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद पहले मैनर लिखेंगे, ठीक है, ये पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस आता है, उसके बाद लास्ट में टाइम आता है। टाइम हमेशा कहाँ आता है? लास्ट में। किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे अगर समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो कहाँ लिखा रहेगा? लास्ट में। अब ये जो वाई वाला है, ठीक है, वाई को थोड़ा सा गौर से देखें कि वाई ज्यादा आता है, वाट ज्यादा आता है, तो इस पे थोड़ा सा, और हाउ वाला भी ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये तीनों को हम थोड़ा सा स्टार बना दे रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ज्यादा गौर कीजिएगा क्योंकि इस पैराग्राफ में भी वाई आया है, ठीक है, वाई के दो क्वेश्चंस और वाट के दो क्वेश्चंस, ठीक। तो थोड़ा सा वाई और वाट पे फोकस कर देना है। वाई का मतलब क्या पूछता है? वो रीजन पूछता है, या हो सकता है पर्पज भी पूछ ले, ठीक। तो रीजन माने कारण, और पर्पज माने उद्देश्य, कि क्यों, किस उद्देश्य से आपने वो काम किया, ठीक है, या क्या कारण था कि वो काम किया। तो अगर रीजन पूछेगा तो हम जानते हैं रीजन को बताने के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? बिकॉज। क्या यूज करते हैं? बिकॉज। और बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बाद क्या लिखेंगे? फिर सब्जेक्ट और वर्ब प्लस पूर्वर्ब से लेकर के पूरा कारण हम लिख देंगे, ठीक। अगर वह पर्पज पूछ लिया, ठीक है, उद्देश्य पूछ लिया, तो हम जानते हैं क्या करते हैं, पर्पज कैसे पता चलता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। बाबू देख लो, एक जनी टीटी बजाते हुए चले आए तो ठीक है, हो जाता है, आ जाते हैं कुल कभी कभी। अब सुन लो, उल्लुओं मेहरबान है तुम लोगों पे, उल्लू बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कुल,
ये डिस्ट्रैक्ट जो होता है ना, निगेटिविटी जो होती है ऑलवेज क्या करती है, अट्रैक्ट्स यू, जो निगेटिविटी होती है वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि तुम बहुत सही मार्ग पर न चलो। अधिकतर बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि वह दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं रख पाते हैं, सोचते हैं कुछ और, तब तक होने लगता है कुछ और, क्यों, जानबूझ करके। ठीक, ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे अंदर भी निगेटिविटी है, तो निगेटिविटी जहाँ निगेटिविटी के करीब में जाएगी ना, पहले ही कैच कर लेगा। तो वीडियो देखेंगे आप लोग तो उसमें आपको वीडियो में ये नहीं दिखेगा कि सर जी क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना है हमको, इसमें क्या सीखने वाली बात है, क्या चीज़ सीख रहे हैं ना। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनको ये दिखाई देगा, सर जी शोर हो रहा है, सर जी कहीं टिड्डा बोल रहा है, सर जी चिड़ई बोलने लगी, सर जी मोटरसाइकिल हारन हारन बजा दिया, मोटरसाइकिल यहा कौनो, तो बाबू अब हम क्या करें, हारन बजा रहा है तो क्या रोक दें, नहीं रोक पाएंगे। ठीक, तो उतना देर हम चुप हो जा रहे हैं, हो जाने दो हल्ला, थोड़ा सा झेल ही लो तुम, देखो उसके बाद। लेकिन जैसे तुमको लगेगा हाँ अब फिल्म उलिम चलने लगे, तो 3 घंटा तुमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, 3 घंटा तुम डिस्टर्ब भी नहीं हो गए हो। ठीक, उस टिड्डे के चक्कर में एक फिल्म हम देख लिए, ठीक है। माने क्या पूछता है, तो ध्यान से देखना है, पहले पर्पज वाला बता दें, रीजन पूछेगा वाई, तो रीजन अगर पूछेगा तो तुम बिकॉज लगा करके सब्जेक्ट वर्ब लिख करके पूरा कारण लिख देना। ठीक है, अगर पर्पज पूछेगा तो पर्पज का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उद्देश्य बनाता है तब जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। उद्देश्य बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का, और इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा गौर रखिएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक का तो वीडियो हाई स्कूल वाले भी देख लेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हाई स्कूल इंटर सबके लिए हो जाएगा। लेकिन जब हम ये पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर का जब आंसर लिखेंगे, तो ये केवल और केवल क्लास 12th के लिए है, और यह आपके यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि हाँ सर जी थोड़ा बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पूरा देख लेना। ठीक है, हाँ, और अगर लगेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आज तक तो कहे नहीं, लेकिन कर देना हुआ है, जो उन सभी लोग कहते हैं। ठीक, हु का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट पूछता है, हुम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट पूछता है, या कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक, हुज का मतलब क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट पूछेगा या तो सब्जेक्ट पूछेगा। ठीक, तो ये हो गए कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अब दूसरी चीज क्या आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखना, व्हाट जब पूछेगा तो या तो वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट। ठीक, वेयर माने स्थान, वेन माने टाइम, हाउ माने मैनर, तो मैनर प्लेस टाइम का जो क्रम होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद सबसे नंबर एक पर क्या लिखेंगे, मैनर, नंबर टू पर प्लेस, और नंबर थर्ड पर क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहले मैनर, यानी कि क्रम क्या होगा, मैनर प्लेस और टाइम, ये क्रम होता है अदर वर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आपको, हमने क्या कहा, व्हाट सबसे ज्यादा, उसके बाद हाउ और व्हाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इसको गौर से, हाउ माने मैनर पूछेगा वो तरीका। ठीक है, तो और व्हाई माने, वाई में दो चीजें पूछ सकता है, या तो रीजन या तो पर्पज। रीजन पूछेगा तो बिकॉज लगा करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर्पज पूछेगा तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हु पूछ लिया तो हु माने सब्जेक्ट पूछ रहा है, बाबू शुरू हम लिख दो, किसी भी सेंटेंस के शुरू में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। हुम पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, हुज पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पजेसिव रूप पूछेगा, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का क्या चीज, पजेसिव रूप। ठीक, पजेसिव रूप, उसका कुछ पजेशन पूछेगा वो। ठीक, तो उसको आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड था, अभी इसमें आएगा क्या चीज,
हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड्स आने के बाद हेल्पिंग वर्ब भी कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा गौर से एक बार पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या आता है MPT मैनर प्लेस और टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस, अच्छा हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे बाबू हम तो आंसर बताने लगे। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या आएगा डज, फिर क्या लिख दें डू, फिर क्या लिख दें डिड, खराश हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन। तो आंसर में क्या लिखेंगे बाबू अगर डू डज डिड आ गया तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर डज आएगा तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डज को हटा करके डू डज डिड क्या करते हैं हटा कर, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे यस ई एस या आई ई एस जोड़ देंगे। डू आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना पड़ेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और डू डज डिड के अलावा डू डज और डिड को छोड़कर बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं को सब्जेक्ट के बाद ज्यों का त्यों क्या करते हैं लिखते हैं। तो डू डज डिड के अलावा बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा आप क्या करेंगे उसे ज्यों का त्यों उठा करके सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जैसे डू डज डिड को हटा करके हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, या डिड हटा करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख रहे हैं, उसी तरीके से हमने क्या करना है जब डू डज डिड के अलावा दूसरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसे ज्यों का त्यों उठा करके, अगर इज आ गया तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ठीक है, विल शैल कैन कुड मे माइट कुछ भी उसे हम ज्यों का त्यों सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, ठीक। तो ये सारा चीज नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है, फोटो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जो भी करना है कर ले। नहीं समझ में आया तो बाबू अब इससे आसान तरीका तो नहीं होगा, ठीक है, जल्द से जल्द यानी कि आप केवल यही आधा एक घंटा दोनों जो भी वीडियो है, ठीक है, जितना भी समय हो सेक्शन 15 लिख दिए क्या जी, सेक्शन ए है वो सेक्शन ए, और यह क्या है रीडिंग सेक्शन है, इसको क्या कहेंगे रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का मतलब क्या हो गया अनसीन पैसेज आएगा हेमन, ठीक है, अनसीन पैसेज कौन नंबर का रहेगा 15 मार्क्स 15 नंबर का बाबू, एक ही प्रश्न मतलब एक ही प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम थोड़ा गौर से, तो इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमको ध्यान से देखना है बाबू, देखो तुमको क्वेश्चन नहीं लिखना है पहली बात, अगर क्वेश्चन नहीं लिखना है तो तुमको आंसर कैसे लिखना है। सेक्शन ए रीडिंग लिख दिए, अनसीन पैसेज वगैरह नहीं लिखोगे, ये चीज़ें तुमको नहीं लिखनी है, ठीक है, ये तो हम इसे बताने के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद अगर इसको तुम अपना पेज मान लो, बोर्ड को क्या मान लो अपना पेज मान लो, तो क्या करोगे क्वेश्चन नंबर वन, ठीक, क्वेश्चन नंबर वन तो ब्रैकेट में लिख दोगे ए, फिर नीचे इसे अंडरलाइन कर लेना, एक लाइन में ये एक लाइन में ये, ठीक, एक लाइन नीचे छोड़ देना और उसके बाद लिखना आंसर, आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न जो यहां पूछ रहा है व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, अब ये बताओ कि सुबह उठना बेटर है
क्यों है, क्यों, देन राइजिंग लेट, लेट उठने से। तो सुबह उठना लेट उठने से बेटर क्यों है, उसके बाद आंसर लिख दोगे पैराग्राफ में से ढूंढ करके, ठीक, पैराग्राफ में से ढूंढ करके यहां पे आंसर लिख दोगे। अब दिक्कत यह है कि हमको तो बाबू समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना पड़ेगा। तो हम यहां सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन यहां सामने लिख देना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर यहां पर लिखना है। तो हम उसी तरीके से समझा दे रहे हैं, वाई इज अर्ली राइजिंग क्या है, बेटर देन राइजिंग लेट, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हम क्या नोटिस करते हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो वाई का मतलब होता है कारण, पूछ रहा है बाबू, ठीक है। अब कारण पूछ रहा है तो हम जान रहे हैं कारण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज का, या हो सकता है परपज पूछ रहा हो, परपज पूछ रहा होगा तो क्या लगाएंगे, टू लगा करके, कारण या उद्देश्य भी तो पूछ सकता है। तो अगर उद्देश्य पूछेगा तो टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ये क्या बताने लगेगा, इन्फिनिटिव परपज, ठीक, परपज बताने लगेगा। अब इसको हम आंसर में बदलेंगे, आंसर में जब बदलते हैं तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आंसर में बदलने के लिए सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। तो बाबू सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है, सबसे जरूरी चीज, सब्जेक्ट को क्या करें, कैसे ढूंढें, कैसे ढूंढें, ठीक, ऐसा लिखेंगे ढूंढें, ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे खोजें, ठीक, सब्जेक्ट को ढूंढना, सब्जेक्ट को खोजना, सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं, हाँ सबसे आसान तरीका, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब जान गए कि हमको लिखना क्या है, कैसे बदलना है, सारा चीज हमने ढूंढ लिया इस पेपर में, तो अगर हमको सब्जेक्ट वे नहीं मिले तो सेंटेंस की शुरुआत है ना हो, ठीक है। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है महादेव की कृपा हो जाए, ठीक, और तुम्हारा 15 नंबर फिक्स हो जाए। तो देखेंगे ध्यान से, तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लें। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का एक भाग होता है जिसके बारे में बताया जाता है, पहली चीज, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बतियाते हैं ओहू के सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज, हु लगा करके प्रश्न पूछते हैं, ठीक। तीसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब से पहले, और लास्ट मेन, हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब हमने जो बताया, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा होता है, और मेन वर्ब से पहले, तो इसमें बाबू मेन वर्ब भैया नहीं है, ठीक है, यही इज जो है हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इस आंसर को लिखेंगे तो आंसर यहाँ न लिख करके हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर जब हम लिखेंगे, ठीक, तो आंसर में क्या हो गया, अर्ली राइजिंग
ठीक है, इज, अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहां तक अर्ली राइजिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक। ये चीज अगर ध्यान से देखें, अब इसमें हमने बताना ही भूल गए कि ठीक है, सब्जेक्ट का ढूंढने के लिए तो हम बता दिए कि व्हाट वी टॉक अबाउट, या हु, या हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इज के बाद ठीक क्या लिखा है, अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो अब उसमें हम समझ नहीं पाएंगे, अब ये देन राइजिंग लेट क्या है, ये तो तुलना करने के लिए लिखा है, किससे तुलना किया जा रहा है, अर्ली राइजिंग से, ठीक। तो अर्ली राइजिंग के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, अर्ली राइजिंग के बारे में। तो अर्ली राइजिंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अर्ली राइजिंग सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद हम वर्ब लिख दिए इज, उसके बाद क्या है, बेटर देन राइजिंग लेट, ठीक। अब हम जानते हैं कि वो पूछ रहा है कारण, वह कारण बता दो, उद्देश्य तो है नहीं इसमें, तो कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, बिकॉज लगा के जोड़ देते हैं, ठीक। अब बिकॉज लगाने के बाद बच्चे इसमें ढूंढने लगेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां ध्यान से देखेंगे ये चीज कहां लिखी हुई है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैराग्राफ बड़ा लग रहा हो, ठीक है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि ये देखना है कि उस प्रश्न में वो जो शब्द पूछा गया है वो है कहां। तो अगर ध्यान से देखें थोड़ा गौर करके, तो आपको पैराग्राफ के शुरू में ही अर्ली राइजिंग के लिख देगा, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्यों, अर्ली राइजिंग एक बार यूज कर चुके हैं, दूसरी बार इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट लिखेंगे, उसके बाद जो भी पैराग्राफ में लिखा है ज्यों का त्यों लिख दो, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक। उसके बाद एक और लाइन है, द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। अब उसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दो, एंड लगा के जोड़ सकते हैं हम उसको, ठीक है, क्योंकि बाबू ये देखोगे ध्यान से, तीन या चार नंबर का ये आएगा एक प्रश्न, ठीक। तो तीन नंबर का आएगा तब भी, चार नंबर का आएगा तब भी, कम से कम तुम्हारा जो शॉर्ट आंसर है वो कितने लाइन का होना चाहिए, तीन से पांच लाइन में तुम अपने शॉर्ट आंसर लिखोगे, तीन से पांच लाइन में, कौन सा आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है, ध्यान से, क्यों, क्योंकि 40 वर्ड्स में होने चाहिए कम से कम, ठीक, 40 वर्ड्स। तो अगर एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं तो चार लाइन, आठ सात लिखेंगे तो पांच लाइन, ठीक, और हो सकता है 10-12 लिख दें तो तीन नहीं, हम तो कहेंगे चार से पांच लाइन, या चार से छह लाइन भी हो सकता है, चार से छह लाइन लिखिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। शॉर्ट आंसर के लिए ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो अगर तीन नंबर का है तब भी, तीन नंबर का है तो चार पांच लाइन लिखो, चार नंबर का है तो पांच छह लाइन या चार लाइन तब भी चल जाएगा। अब उसमें बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एंड लगा के जोड़ दिए, एंड, और उसके आगे भी लिखा है द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, ठीक है, तो उसमें जोड़ दिए, एंड द वन, अच्छा है वन के जगह पे लिख दो मैन, एंड द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट Can have little rest कब, in the course of the day, in the course, in the course of the डे। अब अगर हम थोड़ा सा काउंट करें, बहुत दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें, नहीं थोड़ा छोटा करके, बिकॉज
इट लीड्स टू, ठीक है, और एंड द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। ये हो गया आंसर, ठीक। अब दिख रहा था, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, नीचे लिख दिए थे, ठीक है, तो दिख नहीं रहा था। अब अगर हम इसका काउंट करें, मान लीजिए आपको मन कर रहा हो काउंट करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक। तो 30 वर्ड हो गए। तो भाऊ ये मोर देन 40 नहीं होने चाहिए, यानी कि 40 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, 40 से कम, यानी कि कितना लिखना चाहिए था, मतलब 40 से 40 वर्ड्स से क्या हो, कम हो, तो 30 और 40 के बीच में लिख सकते हैं, यानी कि 30 to 40 वर्ड्स, ठीक। अब इसको अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो 4 लाइन तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल माने जो विचार, कुछ विचारक होते हैं, थिंकर्स माने जो सोचने वाले होते हैं, जैसे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ते, मान लीजिए बुक लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते सोचेंगे, अरे यार अगर हम जो पढ़ रहे हैं वही आ जाता कल पेपर में, मतलब ऐसा हम बोलेंगे नहीं, आप दिमाग में ही सोचेंगे, हम भी ऐसे सोचते थे कि अगर हम जितना प्रश्न पढ़े हैं वही प्रश्न अगर पेपर में आ जाता, जितना हमको याद है, और सारा का सारा A to Z एक एक पॉइंट हम लिख देते, यार टॉप कर जाते, पेपर में नाम आता, इंटरव्यू वगैरह देने जाते, नहीं मज़ा आ जाता। तो भाऊ सोचते ही रह जाओगे, एक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तो खाली सोचने भर से काम नहीं चलेगा। तो जहाँ जहाँ वाई है, ठीक, उसको क्या करेंगे, बिकॉज लगा के जोड़ देंगे। इसमें दो क्वेश्चन व्हाट से भी है, देखिए बी वाला क्वेश्चन भी क्या लिखा है, वाई लिखा है, सी वाला क्वेश्चन व्हाट लिखा है, डी वाला क्वेश्चन व्हाट लिखा है, ठीक है। उसके बाद ई में जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें क्या लिख दिया है, अपोजिट वर्ड, फिर वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया है, एंटोनिम्स पूछ लिया है। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाएं, क्यों, क्योंकि बाबू एंटोनिम्स का मतलब भी वही होता है और अपोजिट वर्ड्स का मतलब भी वही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द ही होता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका वकैब स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो जहाँ पे पैराग्राफ में वो शब्द दिया होगा उसी से रिलेटेड आपको लिख देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। बी क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट ऑयल, ठीक। तो अब इसका आंसर हम लिखें, आंसर लिखने के लिए सब्जेक्ट ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद बर्न मेन वर्ब उसके पहले, तो यानी कि सम थिंकर्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद,
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसको हम देखेंगे, आंसर ढूंढेंगे। तो बाबू अब लगोगे पढ़ने, अब ध्यान से देखें कहाँ है, ठीक है, क्या चीज़, मिडनाइट ऑयल। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर ढूंढेंगे तो केवल हमको उस शब्द ढूंढना है, क्या चीज़, ये मिडनाइट ऑयल। तो मिडनाइट ऑयल कहाँ लिखा है, ढूंढते 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 जाएंगे तो कहाँ दिख गया, यहाँ पे मिडनाइट ऑयल लिखा हुआ है, ठीक दिख रहा है ना, तो मिडनाइट ऑयल यहाँ मिल गया। अब उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सेवरल ग्रेट थिंकर सेज दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक। तो अब वो पूछ रहा है वाई, वाई माने फिर वही चीज़, कारण क्यों, क्योंकि वे सोचते हैं, ठीक है। तो सम पीपल सम थिंकर्स, अब डू हटाएंगे, हमने क्या कहा था, डू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि पहले से दिया हुआ हम उसको लिख दें, बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज बिकॉज को लिख करके जोड़ देना है, बिकॉज, ठीक, बिकॉज। अब बिकॉज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सम थिंकर, सम थिंकर्स के जगह पे दे लिख दिए, ठीक है, दे क्या, से दैट, दे से दैट दे कैन राइट बेस्ट, दे कैन राइट बेस्ट कब, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट मिडनाइट ऑयल, ये हो गया। ठीक, एंड और उसके आगे देखेंगे, एंड येट इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मेन हैव क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट सम पीपल हैव क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कुछ लोगों का दिमाग रात में क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो इसीलिए, ठीक है, ज़्यादातर लाइव क्लासेस कब चलते हैं, रात्रि में ही चलते हैं, ठीक, और लोग फ्री भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आंसर्स। अब उसके बाद अगले का आंसर हमको इसी को पढ़ना, हो सकता है कुछ लोग इससे अलग लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, अगर आप यहीं तक लिखते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जहाँ पर वो शब्द मिलेगा वहीं तक ले जा करके क्या कर देंगे, रोक देंगे, तब भी चल जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे जोड़ देंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, सी, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, ठीक, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, ऑफ वर्किंग एट
मिड नाइट। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम इस चीज को पैराग्राफ में आप लोगों को पॉइंट आउट कराते हैं। ठीक है, तो दोज वर्क दैट टाइम सून रूइन देयर हेल्थ। ठीक है, तो दोज यहां पे देखिए, वर्क एट दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब किसका मतलब? मिडनाइट के लिए है। ठीक है, वो क्या कर देते हैं? रूइन देयर हेल्थ। बैड हेल्थ मस्ट बी इन लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। तो ज़्यादा देर तक बैड हेल्थ होने से वर्क के क्वालिटी पर भी क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? वॉट है। तो अगर ध्यान से देखें तो किसके बारे में बात हो रही है? मिडनाइट में काम करने के डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक, तो मिडनाइट में काम करने के डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? यहाँ से लेकर के ये सब सब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज। अब व्हाट का मतलब ध्यान से देखें, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, तो व्हाट का मतलब क्या पूछ रहा था? वो ऑब्जेक्ट। क्या पूछ रहा था? ऑब्जेक्ट पूछ रहा था। व्हाट माने क्या पूछ रहा था? ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, तो व्हाट माने ऑब्जेक्ट पूछ रहा था, तो सब्जेक्ट वर्ब दिया है, सब्जेक्ट वर्ब लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे वो चीज लिख दें। क्या चीज है? यहां पे लिखा है दोज हु वर्क एट दैट टाइम। तो डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट इट क्या कर देता है? सून जल्द ही ruin their health, ruin ruin their ruin the people's health leader ruin the people's health। ठीक है, and और इससे अफेक्ट क्या होता है? हैव इट एंड बैड हेल्थ हैज अ बैड इफेक्ट, बैड हेल्थ हैव हैज अ बैड बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑन द क्वालिटी ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट पूछेगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब पूछेगा तो वर्ब लिखेंगे। अब हमको लग गया है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख करके कि उस पैराग्राफ में वो शब्द दिया है कि नहीं दिया है। अरे बाबू गड़बड़ा गया। हेलो डियर लर्नर्स, तो वो हमारा टॉपिक थोड़ा छूट गया था ना, तो उसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दे रहे हैं। आप ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो नॉइजी लिखा है इसका क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। ठीक, तो अपोजिट नॉइजी का जो अपोजिट होता है वो यही पेपर में ही है। कहाँ लिखा है? नॉइजी मन होता है शोर मचाना। ठीक, तो शोर मचाने का अपोजिट क्या होगा? शांत। ठीक है, तो शांत यही लिखा होगा क्वाइट। क्वाइट कहाँ लिखा है? यहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, क्वाइट देखिए यहाँ मिल गया। ये हमारा हो गया
नॉइस का अपोजिट। तो हमको अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ड, ठीक, वर्ड के नीचे क्या लिखेंगे, नॉइजी, ठीक, और उसका अपोजिट लिख देंगे क्या चीज, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट हो गया ये, ठीक। ये किसका आंसर है, ये आंसर हो जाएगा ई के, ई का ए, ई का, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट ई पहला, ठीक, उसका आंसर क्वेश्चन फर्स्ट ई दूसरा, ठीक। इसमें क्या है, इन स्पाइट ऑफ का, तो जो वर्ड है वो क्या है, इन स्पाइट ऑफ, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो डिस्पाइट का मतलब, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा डिस्पाइट, ठीक। और थर्ड का हो जाएगा क्वेश्चन ई थर्ड, क्वेश्चन नंबर वन का ई और थर्ड, इसका आंसर क्या होगा, इसमें प्रश्न क्या है, सेवरल, तो सेवरल का, सेवरल जो वर्ड है उसका एंटोनिम पूछा है, क्या पूछा है, एंटोनिम्स। तो जो एंटोनिम, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एंटोनिम जो होता है ना, एंटोनिम इज इक्वल टू अपोजिट, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि एंटोनिम अलग होता है, अपोजिट अलग होता है, तो एंटोनिम माने भी होता है विलोम और अपोजिट माने भी होता है विलोम, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो सेवरल माने होता है दो से अधिक, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो इसका उल्टा क्या होगा, ज्यादा, तो सेवरल का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा मेनी, ठीक। तो ये हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट। तो आई होप आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, गुड लक।